हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निवेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबको बताएंगे बंधु SI पर आधारित सवाल, जो कि हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे और आज भी पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल होना भी बाकी है, इसलिए आप सब हमारे साथ लगातार बने रहें। और जो भाई बंधु पहली बार जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए तथा सभी भाई बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं बंधु, SI और CI का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें SI का जो सवाल पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का जो पहला सवाल होगा वह किस प्रकार से रहेंगे और उसको आप किस प्रकार से समझ के बना पाते हैं। तो चलिए बंधु देखते हैं आज का पहला सवाल। तो सवाल है बंधु, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। बहुत ही साधारण प्रश्न है बंधु, इसको हम प्रॉपर्टीज के साथ विस्तार पूर्वक भी बताएंगे बंधु और कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक शॉर्ट में भी इनको आप बना लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, इसको पहले बनाएंगे विस्तार से, कैसे उसको समझना है जो कि आप किसी को भी बता सकें, और बाद में आप शॉर्ट से भी बनाना है जो कि एग्जाम में बना के आ सके। तो बंधु देखिएगा, हमारा सवाल कह रहा है कि 800 देखिएगा 800 रुपया है और 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष का समय लगता बंधु, और साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। और आपको पता है बंधु, हो जाना क्या कहलाता है, निसर्धन कहलाता है। आपके पास बंधु 800 रुपया है, 3 वर्ष समय गुजर जाता है जिसके कारण 920 रुपया हो जाता है। तो 920 रुपया कोई ना कोई रेट होगा बंधु, उस रेट की दर से जाके 920 हो जाता है। अगर कोई दर ही नहीं होता तो बंधु 800 का 800 ही रहता। अब देखिए वही रेट को अगर पता कर लेंगे बंधु तो आगे सवाल हमारा बनेगा। आगे क्या कहता है, यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है। पहले रेट क्या था बंधु नहीं पता, कहता है कि प्रति वर्ष अगर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। जो ये राशि है बंधु 800, यानी कि 800 ये जो राशि है समान अवधि, यानी यहाँ भी 3 वर्ष बंधु, कहता है कितनी हो जाएगी यदि रेट 3% बढ़ा दिया जाए। तो बंधु पहले हम कितना हो जा रहा है, पहले धन 920 हो जा रहा है, 3% बढ़ा देंगे तो 920 से अधिक होगा, आखिर कितना होगा यही चाहिए। तो आप इसको बना सकते हैं बंधु कि रेट निकाल लें, और रेट में अगर हम 3% ऐड कर देंगे तो यहाँ का रेट पता चल जाएगा, और यहाँ का जब रेट पता चल जाएगा, समय है बंधु, आज समय गुना रेट की दर से आप ब्याज भी निकाल सकते हैं, निसर्धन भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, तो इसके सहारे हम रेट निकाल रहे हैं, 800 रुपया बंधु 920 हो जाना, तो SI कितना हो जाना, 920 में 800 को घटा देंगे बंधु 120 हो जाना। आपका समय 3 वर्ष दिया हुआ बंधु, तो आपको धन भी आपके पास है, तो आप दर निकालिएगा यानी R निकालिएगा, तो R बराबर यानी फॉर्मूला जानते बंधु SI गुना 100 बटे पी गुना क्या जानते हैं, टी जानते हैं। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। अब देखिएगा SI आपके पास कितना है, 120 है गुना 100 बंधु, एकदम आराम आराम से बनाइए, सवाल आपका बनेगा। पी का मान कितना है, 800 है, और समय आपके पास क्या है बंधु, 3 वर्ष है, 4 × 3 = 12, इसको कटा देंगे बंधु ये 20 हो जाएगा, 20 × 25 = 100, यानी आपका रेट जो बंधु होगा R होगा वो कितना परसेंट होगा, 5% होगा। यानी 5% की दर से 800 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 हो जाता है। आखिर दर 3% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, यही चाहिए बंधु। अब जो नया दर बनेगा इसको ध्यान दीजिएगा बंधु, नया दर या न्यू रेट आप बोल सकते हैं, नया दर जो होगा बंधु 5 पहले से था और अब उसमें 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएंगे बंधु, 5×3 = 8%। अगर अब देखिए समान अवधि की बात हो रहा है तो आप जानते हैं 8% की दर से, एक बात समझिएगा बंधु, 8% की दर से हर 3 वर्ष में
ब्याज क्या होगा, तो 8 * 3 = 24। आप जानते हैं बंधु समय गुना दर करते तो ब्याज हो जाता है। यदि आपके पास पी 100 हो, ऐसा ही समय गुना दर होगा बंधु, तो आप 8 * 3 = 24, तो मिश्र धन कितना हो जाएंगे बंधु 124। अब यही तो चाहिए कितना हो जाएगा मिश्र धन, तो बंधु 100 बराबर आपके पास कितना है 800 है, तो 124 चाहिए, तो 800 * 100 = 124। अब बंधु इसको कटा देंगे, 8 * 4 = 32, 8 * 2 = 16, 3 = 19, 8 * 1 = 8, 1 = 9, 992। यानी ये तो धन हो जाएंगे बंधु कितना हो जाएंगे 992 हो जाएंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कितने में है, पहला में है। क्लियर है बंधु, आप इस प्रकार तो समझ गए होंगे, लेकिन इस प्रकार से अगर यदि आप बंधु बनाते हैं एग्जाम में तो क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, और आप बना तो देते हैं बंधु लेकिन दूसरे सवाल के लिए आपके पास टाइम नहीं रह पाता। तो एक कॉन्सेप्ट है बंधु, उस कॉन्सेप्ट के सहारे आप उनको जान पाएंगे, तो आप इसको समझ गए बंधु। तो कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, तो समझिएगा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है मित्र बंधु, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिएगा, तो ये सब आप नोट करते जाइएगा बंधु नोटबुक में, क्योंकि आपको फायदा होगा, और अभी आप पढ़ रहे होंगे तो वीडियो रोक करके इसको बना के एक बार देख सकते हैं हमारे मित्र बंधु। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसी कॉन्सेप्ट के सहारे हम सारे सवाल को बनाएंगे। देखिएगा 800 रुपया, समझिएगा बंधु 800 रुपया 3 वर्ष में हो जाता है 920। क्लियर है बंधु, अगर कहता वही धन यानी वही जो धन है उतने ही समय में, समान अवधि दिया हो बंधु उतने ही समय में, कह रहा है क्या कि अगर रेट, यहाँ रेट क्या था नहीं पता, अगर रेट कहता है 3% बढ़ा देते हैं तो कितना धन हो जाएगा, यही कह रहा बंधु। अगर रेट नहीं बढ़ाता, देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा मित्र बंधु, अगर रेट नहीं बढ़ाता तो 800 का 920 बराबर हम देते रहते, लेकिन कहता प्रति वर्ष अगर 3% बढ़ा दिया जाए बंधु, ध्यान दीजिएगा अगर नहीं बढ़ाते तो यहाँ पे भी बंधु हम कितना देते 920 ही देते, ये बात समझिएगा कि अगर रेट नहीं बढ़ता उसी दर से देते रहते तो 920 ही बराबर धन होते रहता या हम देते रहते बंधु। क्लियर है, अब देखिएगा कहता 3% प्रति वर्ष बढ़ा दें, अगर बंधु 3% प्रति वर्ष बढ़ाने की बात है तो टोटल ब्याज कितना अधिक बन जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा बंधु, अगर 3% एक वर्ष में बढ़ता है तो 3 वर्ष में बंधु कितना बढ़ेगा 3 * 3 = 9% बढ़ेगा बंधु, 3 * 3 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 3 * 3 = 9% ब्याज बढ़ेगा, तो 9% ब्याज किसका बढ़ेगा, इसका बंधु एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो 800 का 9% निकाल देंगे 9 * 100 = 00 कैंसिल, तो 920 + 9 = 72 इनको जोड़ेंगे बंधु तो 900 क्या हो जाएंगे 92 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, आप इसको समझ के शॉर्ट में बना सकते हैं, अगर इतना भी नहीं लिखेंगे बंधु तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा सवाल पढ़ने के साथ ही आप बना लेंगे कि 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में हम 920 देते, अगर नहीं बढ़ता रेट तो बंधु बराबर 920 देते ही रहते, लेकिन होता क्या है कहता 3% प्रति वर्ष रेट बढ़ा दिया जाए, दर बढ़ा दिया जाए बंधु, 1 साल में अगर 3% बढ़ेगा तो 3 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा 3 * 3 = 9%, यानी इनसे अधिक देंगे हम 9% किस धन का, जो धन है बंधु उसी का ना, तो 800 का 9% 9 * 100 = 00 कैंसिल, तो 920 + 972 यानी हो जाएंगे 992 रुपया। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्सेप्ट के सहारे भी जान गए और आप प्रॉपर्टी से बंधु पहले आप बना चुके हैं, तो किसी भी विधि से आप सवाल को बनाइएगा, आपका सवाल सबसे फास्ट बनेंगे। क्लियर है बंधु, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु यह दूसरा प्रश्न देखते हैं, अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। सवाल कह रहा है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज 4% बढ़ा दी जाए तो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो बंधु आपके पास है धन कितना 800 रुपया है, और किराशी साधारण में एक निश्चित दर से, कोई दर है बंधु एक निश्चित है किसी दर से, कहता 3 वर्ष में 956
हो जाती है और 956 होना बंधु क्या कहलाता है, हो जाना निसर्धन कहलाता है। और आगे चल के बंधु कहता है यदि ब्याज 4% बढ़ा दी जाए, यानी रेट बंधु अगर ये 4% बढ़ा दी जाए तो राशि कौन राशि, वही राशि जो 800 रुपया बंधु यहाँ राशि थी, वही राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी यही 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। क्लियर है बंधु, आपने भाषा को तो बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए बंधु, अगर रेट नहीं बढ़ता तो ये धन हो रहा था 956, वो हमेशा 956 ही होता, लेकिन बंधु रेट बढ़ गया 4%। अगर रेट प्रति वर्ष बंधु 4% बढ़ गया तो निश्चित है कि इनसे धन ज्यादा हो जाएंगे, किसका जो मूलधन है बंधु उसका ही होंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको कहते थे बंधु यदि अगर मूलधन 100 हो, समय गुना दर ब्याज कहलाता है, तो उसी के मेथड से बंधु समझिएगा, अगर 1 साल में 4% अधिक अगर ब्याज बढ़ेगा बंधु, 3 साल में कितना बढ़ेगा, 4 तिया 12% बढ़ेगा। वो 12% किसका ब्याज अधिक लगेगा बंधु, 800 का लगेगा, क्योंकि नहीं बढ़ता तो 956 हम देते रहते, होते जाता बंधु, लेकिन जैसे 4% बढ़ा इसलिए 4 तिया 12% 3 साल में ब्याज बढ़ा, किस धन का, उस मूलधन का। मूलधन बंधु कितना है, 800 का 12%, 12/100 कैंसिल, 956 प्लस 12/96, अगर बंधु इसको जोड़ देते हैं तो हो जाता है 1052, यानी कि 4% बढ़ाने पर वो जो धन हो जाएंगे बंधु वो कितना हो जाएंगे, 1052 हो जाएंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर कितना में है, 3रा में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, जो धन है उनसे ही अधिक होगा, अगर 4% अधिक ब्याज 1 साल में बढ़ता, 3 साल में 4 या 12% ब्याज अधिक लगेगा, किसका, धन का, धन 800 का 12% यानी 96 रुपया अधिक लगेगा, पहले 956 लगा करता था, अब 96 अधिक लगने लगा, इसलिए 1052 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, आप समझ गए, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपया हो गई, यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, पिछला जो प्रश्न आप पढ़ रहे थे उसमें क्या धन हो जाएंगे यदि इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए, ऐसा पढ़ रहे थे बंधु। यहाँ घटा दिया, धन मांगता तो वो भी निकाल देते, नया ब्याज मांग रहा है वो भी निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो बंधु आप किसी भी मेथड से इसको बनाएंगे सवाल बन जाएंगे, आपके पास 2100 रुपया है और 2 वर्ष में कहता है कि जाकर के साधारण ब्याज पर 2352 हो गई, यानी 2352 अगर हो गई बंधु तो कोई ना कोई आपके पास रेट होगा, कोई ना कोई आपके पास दर होगा, तो जा करके आपका 2352 हुआ है। क्लियर है, आगे चल के कहता बंधु यदि ब्याज दर 1% घटा दिया जाए, मान लीजिए पहले ब्याज दर कितना था नहीं पता, लेकिन 1% अगर कहता है घटा दिया जाए या घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। तो बंधु यहाँ पे धन हो रहा था तो यहाँ पे कहता नया ब्याज क्या होगा, नया एसआई क्या होगा। क्लियर है बंधु, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ 2100 रुपया था और यहाँ 2352 हो रहा था, और अब जानते हैं बंधु कि निसर्धन में से अगर मूलधन को घटा देते हैं तो हमारा जो निकलता ब्याज निकलता है ये 5/3 में गया, तो यानी यहाँ पे ब्याज कितना बन रहा है बंधु, 252 बन रहा है एसआई। आखिर 1% घटा देंगे तो ब्याज क्या बनेगा, तो निश्चित है हमारे मित्र बंधु 252 से कम ही बनेगा, ये बात आप समझ गए हैं। आखिर कितना कम बनेगा बंधु, क्या होगा उनको जानना है। अब देखिए बंधु यहाँ पे आपके पास एक तरीका है जो तरीका का प्रयोग कर सकते हैं, देखिए हम बता रहे हैं दोनों तरीके से, आप इनको समझिएगा, दर निकाल के भी बना सकते हैं बंधु, विदाउट दर से भी बना देंगे चलेगा। अगर दर निकाल के बनाएंगे बंधु तो देखिएगा आपका क्या है, 2100 रुपया धन है और 2352 हो जा रहा है निसर्धन है, तो ब्याज आप निकालिए 252। तो बंधु देखिएगा दर बराबर जो आपका होता है यानी आर बराबर ब्याज, यानी 252 गुना 100 यानी साधारण ब्याज गुना 100 / मूलधन
2100 गुना समय बंधु कितना 2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा एकदम आसानी से बंधु। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे कटाना है, जैसे आप कटाइए बंधु इसको कटा सकते, 00 कैंसिल हो गया। अब बंधु इसको भी कटा दीजिए, 12 दुना 24, 1 बचा 6 दुनी 12। बंधु इसमें कटा देंगे तो हो जाएंगे 6, यानी यहाँ जो रेट हमारा पहले दर है बंधु कितना है, 6% है। अगर न्यू रेट अगर देखा जाए बंधु तो न्यू रेट हमारा हो जाएगा 6 में 1 घटेगा, यानी 5%। अगर यदि रेट 5% हो और हमारा समय का चर्चा वही है बंधु, अगर यहाँ पे समय अगर 2 वर्ष हो तो कहता है नया ब्याज क्या होगा, तो न्यू हमारा जो SI होगा बंधु वो हमारा हो जाएगा, यानी किस धन का दिखेगा, मूलधन का, यानी उस धन का समय गुना दर ब्याज कहलाएगा बंधु, यानी 2100 गुना कितना 5 दुनी 10, 10/100। क्लियर है बंधु? आप जानते हैं समय गुना दर क्या कहलाता है, समय गुना दर ब्याज कहलाता है। तो किसी भी धन का समय गुना 10% निकाल देंगे तो क्या निकल जाएंगे, ब्याज निकल जाएगा। तो बंधु ये 00 आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया, 210। यानी जो न्यू आपका ब्याज हुआ बंधु, जो कह रहा है कि नया ब्याज क्या है, तो कितना है वो, 210 है। तो बंधु इस प्रकार तो आपने बना ही लिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा और आसानी से समझ भी गए होंगे। तो चाहिए बंधु आपको एक तरीका भी। अब देखिए तरीका क्या था बंधु, 2100 था और 2 वर्ष में किस रेट से नहीं पता, लेकिन हो जा रहा था 2352 बंधु। लेकिन कहता था कि यदि रेट अगर 1% घटा दिया जाए तो आखिर न्यू SI क्या होगा, ये चाहिए। यहाँ धन दिया लेकिन न्यू SI पूछ रहा है। तो बंधु न्यू अगर हम धन ही निकाल के अगर घटा देंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर एक चीज समझिए बंधु, 1% अगर दर 1 साल में घटे, एकदम शॉर्ट तरीके से समझिएगा, अगर 1% दर प्रत्येक साल घटेंगे बंधु तो 2 साल तक है कितना परसेंट घटेगा, 2×1=2। अगर नहीं घटता बंधु तो जो हम दे रहे थे धन उतने देते, 2352 देते, या 2352 हो जाता। क्लियर है बंधु? लेकिन अगर 1% अगर दर घट रहा है 2 साल में कितना घटेगा, 2×1=2% घटेगा। किसका बंधु, 2100 का। तो देखिएगा 2100 का जो है, यानी घटा होगा, घटेगा तो घटेगा बंधु, तो 2100 का कितना परसेंट घटेंगे, 2%, 2/100। क्लियर है बंधु? यानी 2352 में अगर 21×42 घटा देंगे बंधु तो हमारा नया धन जो होगा वो हो जाएंगे। तो देखिए 2 में 2 0, 5 में 4 गया बंधु 1, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2, यानी 2310 रुपया नया धन होगा बंधु। वही 2100 जो हमारा रुपया था, वही 2 वर्ष में न्यू जो रेट हमारा घटा उसके हिसाब से, यहाँ जो SI का बात नहीं कर रहा, धन का बात कर रहे हैं, 2310 होगा। पहले हुआ करता था 2352, लेकिन जैसे कमा तो 2310 हुआ। तो बंधु कहता नया ब्याज क्या होगा, तो आप जानते हैं मिश्र धन में से मूलधन को अगर घटा देंगे तो न्यू ब्याज हो जाएंगे। तो 2310 में हम कितना घटा देंगे बंधु, 2100 घटा देंगे, 0×1×3=2, तो कितना हो गया, 210। तो आप देख रहे बंधु जो आपका ऑप्शन है वो कितने नंबर पे है, पहला नंबर पे है। आप चाहे किसी भी तरीके से बनाइए मित्र बंधु, ये तरीके से बनाइए या ये तरीके से बनाइए, आपका सवाल बनेगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। कह रहा है सवाल, कोई राशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपया हो जाती है और 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपया हो जाती है, राशि बताइए, आखिर वह राशि क्या है। क्लियर है बंधु? सवाल में कह रहा है कि यदि हम 15% पे, ध्यान दीजिएगा, 15% अगर साधारण ब्याज की दर पर अगर देखते हैं तो कहता है कि 1725 रुपया हो जाती है। देखिएगा, यानी 15% की रेट पे जो धन लगता है बंधु वो क्या होता है, 1725 रुपया हो जाती है। और कहता 20% प्रतिवर्ष, अगर 20% बंधु प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में, यानी जितना समय में हम 15% पे लगा रहे हैं, अगर उतने ही समय में अगर 20% पे लगाते तो बंधु कितना हो जाता है, 1800 रुपया हो जाती है, आखिर राशि बताइए। तो बंधु अगर विधिवत बताएंगे तो लगेगा कि सर एक थोड़ा बड़ा आप बता रहे हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से समझिएगा बंधु।
15% अगर प्रति वर्ष के लिए दर से लगाते हैं तो 1725 हो जाते हैं, अगर 20% प्रति वर्ष लगाते हैं 1800 हो जाते हैं। लेकिन एक भाषा इसमें लिखा हुआ है कि जितने समय के लिए इनको लगाते हैं उतने समय के लिए इनको लगाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत बंधु नहीं होगा। तो देख रहे हैं कि जितने समय में, समझिएगा, जितने समय में इतना धन हो रहा है उतने समय में इतना धन हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा अंतर है सिर्फ वो रेट है कि अगर 15% पे पहले लगा रहे थे अभी 20% पे लगा रहे हैं। तो बंधु इन दोनों में कितने परसेंट का अंतर है? तो ये दोनों में 5% का अंतर है। यही 5% की वजह से, यानी इसके अंतर की वजह से इतना हो जाते हैं। तो यही 5% का कितना रुपया का अंतर है उनको ज्ञात कर लेंगे बंधु। तो 5% बराबर देख रहे 1725 और 1800 के बीच कितना का अंतर है बंधु? 75 का है। अगर 5% बराबर 75 रुपया का अंतर हो रहा है, इसका मतलब बंधु 5% रेट जैसे बढ़ा 75 रुपया अधिक बढ़ गया, तो कहता धन क्या होगा? तो धन हमारा वो राशि कितना है बंधु? 100%। तो देखिएगा 75/5, क्योंकि समय आपका सेम है बंधु, कोई दिक्कत नहीं है, गुना 115/75, तो क्या हो जाएंगे बंधु? 1500 हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ऑप्शन है वो कितने नंबर पे है? दूसरा नंबर पे है। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा यहाँ पे जो लिखा है कोई राशि, यानी जो राशि बंधु यहाँ है वही राशि इसके लिए है। धन भी यहाँ समान था, आपका समय भी समान था, इसका मतलब जिस अनुसार से दर बढ़ रहा था उसी अनुसार से मिश्र धन भाग रहा था। तो बंधु कहने का अर्थ है यहाँ पे देख रहे थे धन इतना है, यहाँ पे देख रहे थे धन इतना हो गया, 5% जैसे बढ़ा उसके अनुसार, तो 5% जो बढ़ा बंधु तो 75 रुपया बढ़ गया उसका ब्याज। तो आप जानते बंधु 75 रुपया ब्याज बढ़ने का सीधा सीधे अर्थ है कि 1725 से कितना हो गया? 1800 हो गया। किसकी वजह से? 5% अधिक हो जाने की वजह से। तो 5% बराबर 75, तो 100 बराबर कितना बंधु? 1500। तो आप समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है वह है, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.1/2% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक का 105 रुपया कम हो गई, बैंक में कितने रुपये की राशि जमा करवाई गई थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। पहले जो हमारा ब्याज की वार्षिक दर था बंधु कितना था? 5% था, उससे घटकर हो गया 3.1/2%। जैसे घट करके बंधु 3.1/2% हो गया, तो कहता है व्यक्ति की वार्षिक आय, होने वाली वार्षिक आय से 105 रुपया कम हो गई। यानी जो यहाँ पे राशि हो रही थी बंधु वो अलग हो रही थी, उसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन अब जो होने लगे बंधु उससे क्या हो गया? 105 रुपया कम हो गई। यानी इसी दोनों का अंतर बंधु कितना हो गया? कम 105। कम होना या अधिक होना बंधु अंतर ही कहलाएंगे। अगर आपसे हम 10 रुपया अधिक कमा रहे बंधु तो भी दोनों के बीच अंतर 10 होगा, अगर आप हमसे 10 रुपया कम कमा रहे तो भी अंतर 10 ही होगा। यानी बंधु कम होना या अधिक होना इन दोनों का अंतर ही ऐसा हुआ बंधु, जिसके कारण 105 रुपया उसका कम हो गया। अब बंधु देख लीजिए 5% और 3 × 6 = 7/2% बराबर 105। इसको बंधु अंतर कर दीजिए, 5 × 10 में 7 = 3/2 बराबर 105 हो गया इतना परसेंट। तो चाहिए बंधु धनराशि तो 100% हमको निकालना है बंधु, तो 100 बराबर कितना हो जाएंगे? 105/3/2 × 100। क्लियर है बंधु? अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 105 हल कर सकते हैं आप किसी भी तरह से बंधु, कोई दिक्कत नहीं है, 3। अब इनको बंधु कटा दीजिए, 3 × 9 5 × 15 35 × 70 70 × 2 तो कितना हो गया बंधु? 7000 रुपया। तो आप समझ गए बंधु कि हमारा जो ये धन राशि बैंक में जमा करवाई गई थी वो कितना करवाई गई थी? 7000 करवाई गई थी, जो ऑप्शन नंबर कितना पे है? चौथा में है। क्लियर है हमारे मित्र बंधु? समझ गए इनको? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आप इसको आसानी से बना सकेंगे बंधु। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। 7300 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई
1987 से 10 सितंबर 1987 तक, ब्रैकेट में दोनों दिन सम्मिलित दिया हुआ है, का साधारण ब्याज क्या होगा? तो बंधु आपके पास जो धन है वो कितना है? 7300 रुपया है। और आपका जो दर है बंधु आरु क्या है? 5% है। और कहता 11 मई, देखिएगा 11 मई बंधु, 11 मई से लेकर के कहाँ तक बंधु? 10 सितंबर तक, यानी 10 सितंबर तक दिया हुआ बंधु। यहाँ पे से लगा हुआ है बंधु, यहाँ तक लगा हुआ, लेकिन ये वर्ष क्या है? 1987 है। क्लियर है हमारे मित्र बंधु? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों दिन सम्मिलित नहीं भी लिखा रहता बंधु तो भी आप समझते क्या कि से मतलब शामिल कर, यानी 11 मई का वो भी दिन आएगा जिसका हम ब्याज देंगे, और 10 सितंबर तक है तो 10 सितंबर का ही ब्याज जरूर देंगे, और इसके बीच में जो भी दे आएगा उसका ध्यान रखेंगे। तो बंधु अब जब हम हैं कि ये जो भी दर लगता है यहाँ पे 5% वार्षिक दर लगता है, और यहाँ पे जो बंधु हम इसके बीच ये जो संख्या निकालेंगे दोनों को मिला के निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे? डे में निकालेंगे। तो डे को हम बंधु क्या करेंगे? वर्ष में बदलने का काम करेंगे। अगर वर्ष में बंधु हम बदलेंगे तो हमको यहाँ पे वर्ष की जानकारी भी होनी चाहिए। तो बंधु हम जानते हैं दो प्रकार का वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष होता है बंधु, दूसरा अधिवर्ष होता है, जिसको एक आप जानते हैं बंधु जनरल ईयर, दूसरा लीप ईयर। अब बंधु जनरल ईयर लीप ईयर जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बंधु वर्ष में जब हम भाग देंगे, वर्ष में हम निकालेंगे दिन में भाग देंगे तो 365 से या 366 से, तो लीप वर्ष में बंधु 366 होता है और जनरल आपका 365 होता है। तो बंधु आप जानेंगे कैसे कि कोई लीप ईयर है और कोई जनरल ईयर है? तो हम बता दें बंधु, कैलेंडर की भी यहाँ जानकारी थोड़ा रखना पड़ेगा आपको, कि वैसा वर्ष जिससे, देखिए बंधु एक समझिएगा, वह वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाए वह क्या हो जाएंगे बंधु? लीप ईयर हो जाएंगे। जिसमें 4 से भाग लगेगा वो लीप ईयर हो जाएंगे, जिसमें 4 से भाग नहीं लगेगा वो जनरल ईयर हो जाएंगे। लेकिन शताब्दी वर्ष में अगर 400 से भाग लग जाएंगे तो लीप ईयर होंगे, और 400 से भाग जिसमें नहीं लगेंगे वो जनरल ईयर होंगे। अब कहेंगे शताब्दी वर्ष सर होता कौन कौन है? तो देखिए 1200, 1600, 1400, 1500, जहाँ पे यानी बंधु शताब्दी मेरा शुरुआत होता है, फिर 1, 2, 3, 4 के, फिर 1799, फिर 1800 होता है। यानी शताब्दी वर्ष में अगर 400 से भाग लगेगा तो अधिवर्ष, शताब्दी वर्ष नहीं है रहे, अगर कोई भी वर्ष रहे जिसमें 4 से भाग लगे तो अधिवर्ष, और बाकी बंधु जिसमें भाग नहीं लगे 4 या 400 से वो क्या हो जाएंगे? सामान्य वर्ष। क्लियर है बंधु? तो हम वहां से सबसे पहले जब इनको हम ब्याज निकालेंगे बंधु, ब्याज ज्ञात करेंगे, तो किसी भी धन का समय गुना दर हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा समय नहीं पता तो समय लेंगे, तो दिन की संख्या निकालेंगे बंधु, डे निकालेंगे। तो देखिएगा 11 मई से बंधु इसमें अगर हम लेना चाहेंगे तो 11 मई हमारे पास है, 11 मई को शामिल करेंगे उनमें। तो यहाँ पे बंधु 11 मई से लेकर के फिर देखिए जून जुलाई, आप जानते हैं मई, फिर जून जाएगा, फिर जुलाई जाएंगे, फिर अगस्त जाएंगे, फिर सितंबर आएंगे। तो बंधु हमारा यहाँ जो 11 मई है, 11 मई को शामिल करेंगे तो 11 मई से ले रहे हैं बंधु, तो यहाँ पे कितना दिन हो जाएंगे? 21 दिन हो जाएंगे। ऐसे भी आप हाथ से भी जोड़ सकते हैं, कैलेंडर के सारे भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि मई हम शामिल कर रहे हैं तो मई भी शामिल होंगे, तो हो जाएंगे कितना बंधु? 21 दिन यहाँ पे हो जाएंगे। तो मई के बाद क्या आता है? जून आता है, जो आपका बंधु क्या आता है? तीसा होता है। फिर जुलाई आपका क्या होता है बंधु? एक तीसा होता है। फिर जुलाई के बाद क्या होता है? अगस्त होता है बंधु, वो भी क्या होता है? एक तीसा होता है। और सितंबर बंधु आपका क्या होता है? तीसा होता है, लेकिन हमको 10 ही सितंबर तक चाहिए, तो बंधु 10 ही जोड़ेंगे, उसका पूरा तो हमको जानना नहीं है। अब इनको ऐड करेंगे बंधु तो हो जाएंगे 1, 1, 2 और 1, 3 हो जाएंगे। फिर देखिए 3, 1, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 2, 12, 123 हो जाएंगे, यानी टोटल हमारा जो बंधु होगा 123 दिन होगा। 123 दिन होंगे कहाँ से? 11 मई से लेकर के 10 सितंबर तक। अब बंधु यहाँ पे हमारा डे आ गया, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वर्ष में। तो 123 में किससे भाग देंगे बंधु? 365 से भाग देंगे। 365 से आखिर क्यों भाग देंगे? क्योंकि बंधु 1987 जो है वो जनरल ईयर है, सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 से या 400 से भाग नहीं लगेंगे। तो हो गया बंधु, अब इतना हम भाग देने की कोशिश में ना रखेंगे, इतने रहने दीजिए। तो बंधु आप जानते हैं ऐसा ही समय गुना दर ब्याज निकालते हैं बंधु किसी भी धन का। तो यह हमारा धन कितना है? 7300। अगर इससे भी समझिए बंधु, यह हम धन लिख दिए 7300। देखिए मूलधन गुना समय, समय बंधु कितना है? 123/365। और गुना दर बंधु कितना? 5/100 कितना? 100। ऐसे भी जान सकते हैं बंधु किसी भी धन का समय गुना दर, परसेंट आपका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ये सब आप समझ चुके हैं।
अपन तो ये 00 क्या जाएगा कैंसिल, तो 73 × 123 × 5/362 घटा देंगे 5 से 7 बचे 35 बंधु, यहाँ देखिए आपका क्या है 1 बचा 5 3 15 73 73 कैंसिल बंधु, कितना होगी 123 रुपया, यानी जो हमारा ब्याज बनेगा बंधु क्या बनेगा 123 रुपया बनेगा, जो ऑप्शन नंबर पहला में है। क्लियर हो गया बंधु, आप इनको ज्ञात कर लेंगे, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे बंधु आप आसानी से बना लेंगे। तो आज जो बंधु आपका क्लास होगा यहीं पे बंधु समाप्त होगा, फिर हम आपके क्लास में नेक्स्ट दिन मिलेंगे बंधु, तब तक आप इस तरह के सवाल को बनाइए जो हमें एसआई पढ़ा रहे बंधु, और नहीं बने तो कमेंट का सहारा लीजिए, कमेंट कीजिए कि सर इस प्रकार के सवाल नहीं बन रहा है तो हम जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो बंधु तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आप सबों को अनिमेष क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।